हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सेट। सेट के अंदर हमने 1.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। हम इसके आगे का पढ़ने जा रहे हैं जो कि 1.3 का बेस बनता है। ओके, इसमें पहली चीज़ है वैन डायग्राम। ये वैन क्या है? वैन एक नाम है ना, जैसा आप सुनते हैं पाइथागोरस, तो पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन का नाम है, तो वैसा वैन भी एक नाम है। वैन जिसने जो है तो डायग्राम के जरिए से सेट को रिप्रेजेंट करा, मतलब इसका मतलब क्या था? वेन डायग्राम का मतलब क्या था? कोई भी सेट को, फॉर एग्जांपल ये सेट है आपके पास ए, ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। ओके, ये सेट है। इस सेट को अगर हम डायग्राम के साथ, शक्ल के साथ बता रहे, इसको एक शक्ल दे रहे, फॉर एग्जांपल ऐसी शक्ल, देखिए ये 1, 2, 3, ये ऐसी शक्ल 1, 2, 3, ये ऐसी शक्ल 1, 2, 3, इस तरह से। ये कोई भी डायग्राम के जरिए से सेट को जाहिर करना, सेट को रिप्रेजेंट करना, इट इज कॉल्ड एज वेन डायग्राम। मतलब वेन डायग्राम हमारे काय में हेल्प करता कि सेट को एक शक्ल बनाता। जैसा अगर आपको बोले 5 रुपये, तो 5 रुपये की एक शक्ल दिखाई देती है। अंडरस्टैंड? इस तरह से डायग्राम को अगर सेट के जरिए से बताते हैं तो वो क्या हो गया? वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम सेट का रिप्रेजेंटेशन है। ओके, अब देखिए सबसेट क्या रहता, सबसेट कैसा रहता, देखिए समझने के लिए। अगर आपके पास ये ए सेट है 1, 2, 3, 4, 5, अब बी सेट है, बी सेट क्या है 1, 2, 3। अगर हम ये ऑब्जर्व करें तो सेट बी के ऑल एलिमेंट काय में आते हैं? सेट ए में आते हैं। काय में आते हैं? सेट ए में। दैट मीन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी इज इन ए, इट इज कॉल्ड एज सबसेट। इट इज बी के टोटल एलिमेंट किस में आ रहे हैं? ए में। मतलब सबसेट की डेफिनेशन क्या होंगी? अगर एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में पूरी तरह से आते हैं तो ये सबसेट हो गया। यहाँ जो है इसका ये सिंबल है सबसेट का, एक इसका सिंबल है सबसेट का, मतलब ये सबसेट बताता बी किसका सबसेट है? ए का। लेकिन अगर आप इसका रिसिप्रोकल लेंगे, उल्टा लेंगे, अपोजिट लेंगे, तो ए जो है तो बी का सबसेट नहीं बन सकता। इस तरह से सबसेट है। ओके, अब यूनिवर्सल सेट क्या है? एक ऐसा सेट कंसिडर करो जिसके अंदर कोई भी सेट लोगों उसका सबसेट बन जाता। जैसा देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये यू लिया हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अभी हमने ए लिया, ए के अंदर लिया 1, 2, 3, ये नॉन एम्प्टी सेट रहता, खास बात है नॉन एम्प्टी सेट लेना पड़ता है यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब यहाँ पे 8 हो गया, अब 8 को अगर लेंगे तो ये भी इसका सबसेट हो गया, मतलब इस यहाँ तक 7 तक एक इसका सबसेट हो गया यू का। अब ये पूरे एलिमेंट यू में आते, जैसा बी लिया हमने, बी के अंदर हमने कंसिडर करे 1, 2, 3, तो बी के अंदर 1, 2, 3 है, तो बी काय में आता? यू में आता, बी इज ए सबसेट ऑफ यू। मतलब ये यू के आप कोई भी सबसेट बना सकते यू का। ओके, इसका मतलब इसके अंदर टोटल सेट्स आ जाते, इट इज कंसिडर ऑल सेट्स इन इट। इसके अंदर क्या रहते? पूरे सेट आ जाते उसके अंदर रहते, उसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी कायनात, हमारा जो कायनात है वही कायनाती सेट है, हर प्लेस है, हर कॉन्टिनेंट्स है, मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर टोटल सेट आ जाते उसे कहते हम यूनिवर्सल सेट। अब कॉम्प्लीमेंट सेट क्या रहता, देखिए इसका, फॉर एग्जांपल यू हमने ले 1, 2, 3, 4, 5। ओके, अब ए ले रहे हम 1, 2, क्या ले रहे 1, 2। अब इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेंगे? डैश के जरिए से। काय के जरिए से? डैश। ओके, तो आप डैश के जरिए से निकलेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे कैसा है, इसके अंदर क्या नहीं है जो यू में है? तो क्या नहीं है अपने पास? 1, 2 है क्या नहीं? 3, 4, 5। तो इसका मतलब ये क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट। तो इसकी तारीफ क्या होंगे? ऐसा सेट जो कि उसके पास कुछ एलिमेंट नहीं रहते, लेकिन हम कहाँ से लाते हैं? उसको यू से लाते हैं। देखिए इसको कहाँ से लेकर आ रहे हैं, ये जो कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट, ये सादा सेट है, इसके अंदर क्या नहीं है? 3, 4, 5। इसको कहाँ से कंसिडर करके लाए? 3, 4, 5 कहाँ से लाए हमने? यू में से लाए। तो ये होगा इसका कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोले कि भाई इस तरह से 1 और 4 है, अब आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है इसको, तो कैसे निकालेंगे? कॉम्प्लीमेंट ढूंढने कहाँ जाते हैं हम? यूनिवर्सल सेट पर। क्या है? 1, 4 है, मतलब क्या नहीं है? 2 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, तो इसका क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट को डैश के जरिए से जाहिर करते, और कॉम्प्लीमेंट क्या रहता? ऐसा सेट बनता जो दूसरे एलिमेंट उसमें नहीं रहते लेकिन यू में रहते, तो उसको हम बनाकर लेकर आते, उसके अंदर लेकर आते तो सेट बनता। तो ये होगा कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट कहाँ से बनाया जाता? पहले तो हमको जो सेट हमारे पास रहता है उसमें कौनते नहीं है, और उसको यू में जाकर देखकर उससे फिलअप करते, पूरे वो लेकर आते, वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता। ओके, आई होप आपके समझ में आएगा। इसका स्क्रीनशॉट स्टार्ट करते इस पर। देखिए हमारे पास ए क्या दिया, ए के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कौनते कौनते एलिमेंट्स हमारे पास ए में? बच्चों ए में हमारे पास ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। बी में क्या है? सी है, डी है, ई है, एफ है। और सी में क्या है?
बी है और डी है, और डी में क्या है, ए और ई है। अगर हम ये ऑब्जर्व करते हैं बच्चों, तो हमको एक बात समझ में आती है कि इसके अंदर हमको सबसेट का रिलेशन बताना है, ये कौन सा स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है। तो अब यहाँ देखिए ये क्या बता रहा है, सी सबसेट हो सकता है कि बी का, मतलब सी के पूरे एलिमेंट। मैं पहला लेकर बता देता आपको, देखिए यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए, अब सी के पूरे एलिमेंट देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे बी और डी, ये बी में है क्या, देखिए बी और डी, यहाँ डी नहीं है, यहाँ डी नहीं है जो इसके अंदर है, इसका मतलब इसके पूरे एलिमेंट बी में नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि सी के अंदर डी है और बी है, इसमें बी नहीं है, इसका मतलब ये सबसेट बन नहीं सकता। अगर सी के पूरे एलिमेंट बी में आते तो सी क्या बनता था, सबसेट। ओके, तो पहला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स आ गया। क्या आ गया, फॉल्स। आपको क्या लिखना है, सिर्फ ऐसा लिखना पड़ेगा फॉल्स, कौन से वाला फॉल्स है हमारा, फर्स्ट फॉल्स, ऐसा करके। ओके ओके, अब उसके बाद आपको इस तरह से करना पड़ेगा, देखिए सेकंड टाइम क्या हो रहा है, ए इज ए सबसेट ऑफ डी, ए डी का सबसेट है क्या, अब ए में ए बी सी डी है, इसमें खाली क्या है, ए ही है, मतलब ये दोनों चाह रहे बाकी रह जा रहे ना, मतलब ए के पूरे एलिमेंट डी में नहीं है, तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया बच्चों, फॉल्स हो गया। क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो हम सेकंड वाला भी क्या है, फॉल्स है, क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट है, फॉल्स। अब ये बोला डी सबसेट बी का बनता क्या, डी देखिए डी में क्या है, ए ई है, और बी में क्या है, सी डी ई है, मतलब ए ई है क्या यहाँ पर, नहीं है, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ये भी स्टेटमेंट क्या हुआ हमारा, फॉल्स। तीसरा भी क्या हुआ, फॉल्स हुआ, फॉल्स स्टेटमेंट, गलत गलत है क्योंकि नहीं बन सकता। ओके, अब फोर्थ में आइए, डी इज ए सबसेट ऑफ ए, डी ए का बन सकता क्योंकि देखिए इसके अंदर ए है और ई है, इसमें भी ए है और ई है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हमारा, ट्रू है। क्या ये ट्रू, ट्रू मतलब सही, ये सही या गलत है, हमारा स्टेटमेंट ये ट्रू है। ओके, आपने खाली यहाँ लिख देना ये ट्रू, ये फॉल्स, ऐसा लिख सकते हो। ओके, अब यहाँ बता रहा बी इज ए सबसेट ऑफ ए, बी ए का सबसेट है क्या, देखिए सी डी ई एफ, सी डी ई नहीं है, मतलब यहाँ पे एफ है, यहाँ एफ नहीं है, मतलब यहाँ क्या बोल सकते हैं हम, ये इसका स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, मतलब यहाँ पे ये हमारा स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट, गलत है ये स्टेटमेंट क्या हमारा, गलत है। बी इज ए सबसेट ऑफ ए, सी इज ए सबसेट ऑफ ए, सी देखिए सी जो है ए का सबसेट है क्योंकि इसमें बी भी है, ओके इसमें डी भी है, मतलब ये ट्रू हो गया। क्या होगा, ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया, इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट हमारा, जो ये ट्रू स्टेटमेंट है ये ट्रू है। ओके, इस तरह से हमारे ट्रू और फॉल्स हम पहचान सकते, हमको पहचानना है ट्रू कौन सा है, फॉल्स कितना है। ओके, कौन सा है, कौन सी वैल्यू ट्रू है, कौन सी वैल्यू फॉल्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पे टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20, 1 से 20 नेचुरल नंबर लेने का सेट में, मतलब क्या बनेंगे यहाँ पे, x इज इक्वल टू नेचुरल नंबर लेने का, हमारे को क्या लेने का, नेचुरल नंबर एक सेट लेने का, टेक द यूनिवर्सल सेट लेना है, क्या लेना, यूनिवर्सल सेट। आपके पास यूनिवर्सल सेट क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये आपने यूनिवर्सल सेट कंसीडर किया, लेट कंसीडर इट इज़ ए यूनिवर्सल सेट, आपने 1 से तो 20 तक का ये सेट तैयार कर दिया यूनिवर्सल सेट। अब हमको सिलेक्शन सर इस पे से करना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक सेट x तैयार करने का, जो कि देखिए पहले फर्स्ट टाइम क्या है, नेचुरल नंबर है में आता है और 7 से छोटा है और 15 से, देखिए 7 से बड़ा है और 15 से छोटा है, मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका लिस्टिंग मेथड, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, क्या हो गया, 15 से छोटा, 7 से बड़ा, ये हो गया अपना इसका लिस्टिंग मेथड, ये सेट का क्या होगा, लिस्टिंग मेथड। अब इसका वेन डायग्राम बनाना है, क्या बनाना है इसका, वेन डायग्राम। वी नो दैट वेन डायग्राम इज द कलेक्शन ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ फिगर, मतलब सेट को क्या करते हैं, फिगर के जरिए से बताते हैं। तो अब पहला सेट तैयार करते, देखिए हम एक इसके अंदर एक सर्कल तैयार कर लेते, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। ओके, ये क्या होगा हमारा यूनिवर्सल सेट, ये पूरा यूनिवर्सल सेट होगा। इसके अंदर जो है एक्स क्या है, एक्स क्या है हमारे पास, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है। ओके, ये हो गया। अब बच गया क्या इसके अंदर से, 8, 9 आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, 9 है, 10 है, 11, 12, 13, 14 है। ओके, अभी आ गया, और क्या बच गया जैसे अपना यूनिवर्सल सेट का,
यूनिवर्सल सेट का क्या बचा है यहाँ से, 14 है, 16 17 18 19 और 20, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर ये क्या है, पूरा एक्स है, ये क्या है एक्स, ये सर्कल जो है एक्स को बता रहा और ये पूरा इसके अंदर आ रहा, ओके इस तरह से इसका फिगर बनता है, ओके। अब देखिए सेकंड टाइम में क्या बता रहा है कि वाई लेने का, वाई नेचुरल नंबर में, वाई इज प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20, वाई का लिस्टिंग मेथड बनाते प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20, 1 से 20 के बीच में, फ्रॉम 1 to 20, दैट इज 2 3 5 7 9 नहीं आएगा, 2 3 5 7 9 नहीं आएगा, 11 13 15 नहीं आएगा, 17 ओके और 19, ये क्या होगा इसका y हो गया, क्या हो गया ये y, सेट ऑफ प्राइम नंबर। अब इसको हम इस तरह से कंसीडर कर लेते y को, ये ले लिया हमने y सेट बना रहे, सर्कल में क्या बना रहे y, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है हमारा, ये कौन सा सेट है, यूनिवर्सल सेट है, ओके। इस तरह से जो रेक्टेंगुलर फ्रेम दिख रही है यूनिवर्सल सेट, इसमें सर्कुलर फ्रेम जो दिख रही वो y है, ओके सर्कल जो दिख रहा, तो यहाँ लेते हैं हम 2 3 5 7 11 17 19, ये होगा हमारा वाई, क्या हो गया वाई। अब जो हमारा ये जो बच गया वो लिख दीजिए कैसा, 1 2 है 3 है 5 है 7 है 9 11 है 12 13, अब देखिए 13 ओके 13 है 14 15 16 17 है, ओके 17 का 18 18 का 19 भी है, ओके 20, ये बन गया हमारा 20। इस तरह से जो है ये पूरा U है, कौन सा है U, इसके अंदर ये क्या है Y है, ये क्या है Y। इस तरह से हम क्या करते हैं, इस मेथड का यूज़ करके हम जो है तो यूनिवर्सल सेट और जो हमारा रिक्वायर्ड सेट है उसको हम वेन डायग्राम से बताते हैं, कैसे बताते हैं वेन डायग्राम से, ओके। हमने इसको क्या किया, इसका लिस्टिंग मेथड बनाया, 7 से बड़ा और 15 से छोटा सेट तैयार किया, ओके। यहाँ पे प्राइम नंबर कितना, 1 to 20, पहला प्राइम नंबर क्या है, 2 3 5 7 9 नहीं रहता, 11 13 17 19, ओके। इस तरह से हमने सेट को वेन डायग्राम से बताए, आई होप आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हमको यूनिवर्सल सेट दिया 1 2 3 7 8 9 10 11 12, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, कौन सा सेट है ये, यूनिवर्सल सेट, ओके। और उस पर से पी सेट दिया हमारे को, उस पर एक पी सेट दिया है, ओके ये पी सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है, कायनाती सेट, और उस पर से एक छोटा सेट दूसरा बना हुआ है। अब हमको शो करना है कि इनको वेन डायग्राम से, वेन के खाके से बताना है, किससे बताना है, वेन के खाके से शो करना है, साबित करना है, बताना है, इसको जाहिर करना है, कैसे वेन से, और वेरीफाई तस्दीक करना है ना, वेरीफिकेशन करना है, क्या पी डैश पी इज इक्वल टू पी, मतलब पी का मुकम्मला का मुकम्मला, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ओरिजिनल सेट होता करके हमको बताना है, ओके। अब देखिए सबसे पहले क्या देखते हैं हम, अब यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास, 1 2 3 7 8 9 10 11 12, और पी इतना है। अब पी कॉम्प्लीमेंट अगर हमने निकालते बोले यहाँ से, यू क्या है हमारे पास, यू इज इक्वल टू 1 2 3 7 8 9 10 11 12, ये क्या हमारा U है। अब इस पे से हमारे को P निकालना है, क्या निकालना है, P दिया हुआ है, P कितना है 1 3 7 10, ये हमारा P है। अब P डैश अगर निकालना है इस पे से, P डैश कॉमा करते हैं, P डैश यहाँ लिख लेते, P डैश क्या आएगा, जो हमारे पास इसमें ये है, जो नहीं है वो यूनिवर्सल में जाके चेक करो, देखिए 1 है 2 नहीं है, ओके 3 है 7 है 10 है, क्या नहीं है 9 नहीं है 11 नहीं है, क्या नहीं है 9 नहीं है 11 नहीं है और 12 नहीं है, ओके देख लीजिए एक बार, यहाँ पर हमारे पास 1 है तो हमने 1 लिए नहीं, ओके 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ओके 3 है ओके 7 है ओके 10 है। अब रहा कि हमारे पास जो रह गए उसको हम सिलेक्ट करते, देखिए यहाँ पे क्या रह गया हमारा 8 भी है, ओके तो हम ले लेते 8 2 8 2 8 2 8 9 2 नहीं था हमारे पास, ओके इसमें नहीं है 8 नहीं है 3 7 तो था 10 है 9 नहीं था वो 9 ले लिए और 12 11 12, ये हमारा पी डैश हो गया, क्या हो गया पी डैश। अब पी डैश का कॉम्प्लीमेंट लेना है, पी डैश का क्या लेना है कॉम्प्लीमेंट। अब पी डैश का कॉम्प्लीमेंट लेना है हमारे को तो क्या आ जाएगा, पी डैश के अंदर क्या नहीं हो जाकर यूनिवर्सल में चेक करना पड़ेगा, पी डैश में 2 है तो 2 है, ओके
वन नहीं है तो वन लेते, ओके। उसके बाद क्या नहीं है, थ्री नहीं है तो थ्री नहीं है, ओके। उसके बाद सेवन नहीं है, इसमें सेवन लेते और टेन, तो क्या रहा, वन थ्री सेवन टेन। इसके अंदर क्या नहीं है, वन थ्री सेवन एट, वन थ्री सेवन सॉरी वन थ्री सेवन टेन, वन थ्री सेवन टेन। ये क्या हो रहा, पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर लेते हैं हम तो ओरिजिनल सेट आ रहा, क्या आ रहा, ओरिजिनल सेट। कौन था, पी वाला, कौन सा सेट आ रहा, पी। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, मतलब इससे हमको पता चलता है कि कॉम्प्लीमेंट का अगर कॉम्प्लीमेंट लेते तो क्या आता है, ओरिजिनल सेट, क्या आता है, ओरिजिनल सेट, ओके। अब इसके हमको बनाना है वेन डायग्राम, क्या बनाना है इसकी, वेन डायग्राम, ठीक है। हम वेन डायग्राम बनाते हैं, देखिए वेन डायग्राम यहाँ पर हमारे पास पहले हम बना लेते यू सेट, ओके। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। पी में क्या है हमारे पास, पहले पी सेट बनाते, ओके। ये क्या है, पी सेट। पी सेट के अंदर क्या क्या हमारे पास, पी में वन थ्री सेवन टेन, वन थ्री सेवन टेन, ओके। ये होगा हमारा पी, क्या होगा ये, पी वन थ्री सेवन, वन थ्री सेवन और ये टेन, वन थ्री सेवन और टेन, हमारा ये क्या हो गया, पी सेट हो गया। अब हमारे पास जो है तो पी कॉम्प्लीमेंट का सेट जो है, तो अब पी कॉम्प्लीमेंट इसको ले लेते हैं हम, ये अंदर वाला जो पी कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, कौन सा है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, जो बच गया वो पी कॉम्प्लीमेंट। पी कॉम्प्लीमेंट में क्या हमारा, टू एट, टू एट, देखिए टू एट नाइन एलेवन और ट्वेल्व, टू एट नाइन एलेवन ट्वेल्व, इस तरह से ये पी कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये क्या होगा, बाहर का पी कॉम्प्लीमेंट, देखिए ये हमारा पी हो गया, क्या होगा ये पी, और ये क्या होगा जो है पी कॉम्प्लीमेंट, और ये पूरा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट, मतलब ये यू सेट हो गया पूरा, ओके। ये जो है पी कॉम्प्लीमेंट है, ये पी है, और ये पूरा मिला क्या होगा, यूनिवर्सल सेट, जिसमें ये भी आ गया, ये भी आ गया, इस तरह से, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर ए के हमको थ्री सबसेट लिखना है, सबसेट मतलब इसके अंदर आने वाले सेट। पहले शुरू हम बी बनाते, बी क्या लेते हैं हम, टू थ्री, देखिए बी काय में आ रहा, ए में चाह रहा, बी काय में आ रहा, ए में, ए क्या अपने पास, वन थ्री टू सेवन, बी किस में आ रहा, ए में, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, पहला। अब देखिए दूसरा क्या कर सकते हैं हम, सी, सी इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, वन थ्री, वन थ्री, सी भी किस में आ रहा, ए में आ रहा, ओके। मतलब ये जो वन थ्री काय में आ रहा, ए में आ रहा, ओके। और अगर कौन सा सेट ले सकते हैं, अब आपके हिसाब से वन सेवन ले लिए हमने, वन सेवन ले सकते हैं, डी इज इक्वल टू वन सेवन, ऐसे बहुत सारे सेट बना सकते हैं आप, वन भी ले सकते हैं, फिर सेपरेट अगर आपको बनाने के रहा बहुत सारे सेट, तो ई में हम क्या ले सकते हैं, वन ले सकते हैं, फिर एफ में क्या ले सकते हैं, टू ले सकते हैं, ऐसे बहुत सारे सेट हम हमारे हिसाब से हम ड्रॉ कर सकते जो कि ए में आएंगे, काय में आएंगे। इस तरह से हमारे दोनों क्वेश्चन खत्म हुए, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है स्टूडेंट, हम अगला वीडियो जल्दी इस पर बनाएंगे और लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे आगे भी शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।